नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि रायबरेली जिले के भीतर गांव में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर अचानक हुई एक मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने आज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और आकस्मिक होने वाली मौतों को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अचानक हो रही मौतों से समाजवादी पार्टी के युवा विधायक राहुल लोधी ने गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से ये मांग की गई है कि तत्कालीन टीम गठित कर इसकी जांच कराई जाए। हमारे महेश क्षेत्र विधानसभा हरचंदपुर में ग्राम सभा भीतर गांव में पिछले 3 दिनों से आकस्मिक मौतें का दौर जारी है। मेरा मन बहुत दुखी है और आहत भी है। मैं पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज विधानसभा सत्र के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करी, उनको सारी घटना का जानकारी दी, उनको अवगत कराया। हमारे महेश क्षेत्र विधानसभा हरचंदपुर में ग्राम सभा भीतर गांव में पिछले 3 दिनों से आकस्मिक मौतें का दौर जारी है। मेरा मन बहुत दुखी है और आहत भी है। मैं परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आज विधानसभा सत्र के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करी। यूपी के कानपुर देहात से खबर है, बताते चले कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों समेत भट्टा मालिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फसलों के भूसे को लेकर भट्टा मालिकों में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिला है। मेन कारण यहाँ आने का ये रहा, आज के 72 घंटे पहले हमने हमारे पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन डीएम साहब को एलपी साहब को दिया था। उन्होंने कहा था हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज के बाद कोई भी कहीं भी कोई भी थाने में या हमारे तहसीलों में कोई भी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं है। हमारी मेन मांग ये है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब समय जाते हैं जो हमारे भट्टों के ही पलते हैं, उसमें उनके गांव में कोई काम नहीं रहता है। और अगर हमारा भट्टे बंद हो जाएंगे तो लाखों की तादाद में समेत रोड में आ जाएंगे। जो हमारा मेन ईंधन है भूसा, वो हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वो माफिया। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि एक अजीबो गरीब घटना रायबरेली से सामने आई है। जहां रायबरेली से निकलने वाली नदी में मृत मुर्गे देखे गए, तो वहीं बड़ी तादाद में मृत मुर्गे बहने से हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि घाट पर दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है। आज के लिए आए थे तो गंगा के किनारे इतने मुर्गे बह रहे थे कि गंगा स्नान करने में दिक्कत हो रही है, इतनी गंदगी किनारे। क्या मिले थे? मुर्गे के सब मांस, पंखे, पचौनी वगैरह सब उसी में तैर रहे ऊपर। मृत अवस्था में मुर्गे रहे भारी संख्या में। तो अयोध्या में सड़क पर उतरे अंबेडकर नगर के सांसद इन दिनों संसद गांव गांव की पदयात्रा कर रहे। इसी कड़ी में लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बृहस्पतिवार को अंबेडकर नगर लोकसभा की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की करीब 1 दर्जन से अधिक गांव का जनसंपर्क भ्रमण करके लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान सांसद रितेश पांडे ने जहां एक ओर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी रोजमर्रा के जीवन में आ रही दिक्कतों को टटोला, तो वहीं दूसरी तरफ उद्यमियों से भी मुखातिब हुए जिनके पास युवाओं के लिए
रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध हैं। दो विधानसभाएं हम लोगों की समाप्त हो चुकी हैं और गुशाईगंज आधा समाप्त हो गया है और कल फाइनल रात हम लोगों की गुशाईगंज विधानसभा में होगी और उसके बाद हम लोग कटहरी और अकबरपुर शेष बचेगा। आम आदमी शिकायत से भरा हुआ है, चलो सांसद जी आए तो जी। देखिए मेरा ये मानना है वो शिकायतें नहीं, वो ज्यादातर सुझाव होते हैं। बिना सुझाव दिए आज देश इतना आगे नहीं होता। हम लोग 75 सालों में जहां बिजली नहीं होती थी वहां बिजली आई है, जहां रोडे नहीं होती थी वहां रोडे आई हैं, खंबे बिजली तार, और आज पानी पहुंच रहा है नलके से। ये 75 सालों में बड़ी उपलब्धियां हैं और सबका योगदान इसमें रहा है, खासतौर से जनता का। अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके उन्होंने देश को बढ़ाने के लिए दिया है। दूरी कल कर चुके हैं, दो विधानसभाएं हम लोगों की समाप्त। अगली खबर जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिनों किशोरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करते हुए स्वयं को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था। तो वहीं किशोरी के बयान और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने दर्ज मुकदमे के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2023 को लालगंज के एक गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती मोटरसाइकिल के से पेट्रोल निकालकर स्वयं के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर घायल युवती को इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रवाना करते हैं। परिवारिक जनों द्वारा तहरीर मिलने पर मुकदमा अपराध संख्या 41/23 धारा 147, 323, 354, 306, 511। सीतापुर से खबर है, बताते चले कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहनों को काट कर बेचने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से गाड़ी के पार्ट्स भी बरामद किए। कानपुर देहात से अगली खबर है, बताते चले कि ब्लॉक क्षेत्र के गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक गेट पर ताला लगा कर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रधानों ने आरोप लगाया कि 2021-22 में मनरेगा लेखाकार ने कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा के रुपयों का गलत तरीके से भुगतान किया है। जी, अभी संज्ञान में आया था कि विकासखंड संदलपुर में कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनके खाते, ग्राम निधि के खाते सीज कर दिए गए हैं, और इसी को लेकर उन्होंने ब्लॉक में एक धरना भी किया और अपनी मांगें रखी कि ये गलत तरीके से सीज किए गए हैं। तत्काल मौके पर खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप जिलाधिकारी को भेजा गया और बैठ के प्रधानों से वार्ता की गई। अभी जैसा खंड विकास अधिकारी ने अवगत कराया है कि सभी प्रधानों को ये बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी खाते रोके गए हैं शासन के निर्देश के क्रम में, तो किसी भी ग्राम प्रधान का अगर कोई भी किसी तरह की आपत्ति है तो उनसे प्रत्यावेदन ले लिया गया है और उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन भी ग्राम प्रधानों ने काम कराया है और उनको लगता है कि खाते गलत रोके गए हैं तो उनका प्रत्यावेदन ले लिया गया है। हमारे प्रधानों की समस्या थी, कई गांव सभा के खाता रोके, प्रधानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कोई मतलब है पत्र, इसके बावजूद कर दे SNW के जो कार्य थे उनको पैसा, ना कोई जांच कराएगी, खाता सीज कर देंगे। पत्रकार DDO साहब आए, DPRO साहब आए, खंड विकास महोदय अधिकारी, सभी लोगों ने हमारी मांग लिखित रूप में मुझे दी कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हमने अपना धरना वापस ले लिया। इन दिनों बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक निवास घेराव कर आंदोलन कर रही है, लेकिन सारंगढ़ से जो घटना निकल कर सामने आई है वो राजनीति को कलंकित करने के लिए काफी है। दरअसल सारंगढ़ बीजेपी बुधवार को मोर आवास मोर अधिकार के तहत सैकड़ों की संख्या में सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े के निवास को घेरने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए विधायक निवास के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे और विधायक कार्यालय के सामने लगभग सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।
प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के एक नेता को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों और लात भूसों से जमकर मारा पीटा। इस दौरान वहां उपस्थित पुलिस और बीजेपी के नेता मूक दर्शक बनकर सब देखते रहे और बीजेपी का युवा नेता मार खाता रहा। इस घटना के बाद से लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग इस घटना को कांग्रेस की गुंडागर्दी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर है, बताते चले कि कॉम्बिंग गश्त में संदिग्धों के साथ 67 फरार वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर शहर सहित देहात थानों में विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में एक कॉम्बिंग गश्त की पार्टी निकाली गई थी। इस दौरान हमने 10 जगहों पर लगभग चेकिंग पॉइंट लगाया था और 10 अलग अलग टीम बनाए थे, जिनको निर्देशित किया गया था कि जो आपके थाना क्षेत्र में फरार स्थायी वारंट है या फरार आरोपी है या गिरफ्तारी वारंटी है, निगरानी बदमाश है, संदेही है, सबकी पूछताछ की जाएगी और चेकिंग सघनता से की जाएगी। तो इस दौरान हमको 40 वारंटियों का पता चला, जिसमें से 33 स्थायी गिरफ्तारी वारंट है और 7 स्थायी वारंट है और साथ ही 109 के लोग हैं, 109 कार्रवाई की गई है, संदेही लोग हैं जिसको पर कार्रवाई की गई प्रतिबंधक और सबको भी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर है, बताते चले कि रायगढ़ तहसील कार्यालय में आज एक दिवसीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1984 आवेदन आए थे, जिनमें से 1868 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। इससे आम जनता को काफी फायदा मिला है। बहुत खुशी की बात है कि कई वर्षों के बाद यह तहसील रायगढ़ बृहद राजस्व शिविर का आयोजन हुआ है और इसमें लोगों को अपने अपनी समस्याओं को लेकर आने का मौका लगा है और आम जो यहाँ हितग्राही हैं उनके मन में अपार उत्साह है और जैसे जैसे शिविर में अपना आवेदन भी ले रहे हैं और यहीं पर कंप्यूटर की अच्छा व्यवस्था है और B1 खसरा भी तुरंत निकल जा रहा है, इससे बिना पैसे के सब काम हो रहा है। आम जन कृषक गण बहुत खुशी हैं, ये शिविर ऐसा लगता है कि पूर्ण सफल हो ही रहा है, बहुत खुशी की बात है। एमपी में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि एक पत्रकार ने खुद आरोप लगाया है। पत्रकारों के साथ खुलेआम मारपीट की जा रही है। ऐसा ही एक मामला देवास के कन्नौद नगर परिषद का सामने आया है, जहां पत्रकार पुष्पेंद्र का कहना है कि उन्हें बीजेपी मीडिया प्रभारी नरेंद्र साहू की तरफ से धमकी दी जा रही है। पत्रकारिता करता हूं और जगह जगह भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को उजागर करने में सभी पत्रकार साथियों के द्वारा मैं मदद करता हूं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उजागर करते रहता हूं। आए दिन मेरे को धमकियां मिल रही है और धमकियां मिलने के साथ बाबा महाकाल की कृपा से मैं सभी काम कर रहा हूं। बाकी मुझे भाजपा के मीडिया प्रभारी द्वारा और नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा रोजाना धमकी दी जा रही है। कल 4 मिनट के वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे ये धमकी दी गई है और उसमें मुझ पर बहुत सारे अपशब्द कहे गए हैं, जो कि मैं बाबा की शरण में बैठा हूँ, जो कह नहीं सकता हूँ कि इतने अपशब्द कहे गए हैं। और मैं पत्रकारिता करता हूँ, निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ। नगर में जो भी मुद्दे हैं उसको मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझ पर आए दिन जिला बदर की कार्रवाई की धमकी है और नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा कल रात को 4 मिनट के वीडियो कॉल पर मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास उसके तथ्य मौजूद है और क्या क्या बोला गया उसको आपके बीच में जल्दी जल्दी समक्ष करना चाहूंगा मैं। और
एमपी में विकास यात्रा पर वार पलटवार लगातार जारी है। अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की विकास यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा है। प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जदार बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने अब पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो प्रदेश में सड़कें खस्ता हाल थी, पीने के लिए पानी नहीं था, बिजली के लिए खंबे नहीं थे और प्रदेश को करोड़ों रुपए के कर्ज में कांग्रेस ने दबा दिया था। लाख करोड़ का खर्चा तो उस समय जो है ना देखे गए थे, किस प्रकार के कांग्रेस के समय में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की सड़कें थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए थे, कहाँ पुल बने थे, कहाँ खंबे गड़े थे। तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को लोग याद कर करके 17 साल से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा कांग्रेस के लिए विनाश यात्रा से दोगे, जब रिजल्ट आएगा तब एहसास हो जाएगा। थैंक यू। 2023 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जननेतेजी नीतियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के लगातार विकास जैसी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार बनेगी, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल आपका देख लिया है माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। पूरे उज्जैन संभाग में 6 जिले हैं और 30 से ज्यादा तहसीलें हैं। उज्जैन संभाग में निवास करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब परिवार के लोग और आम नागरिक सभी 6 जिले और 30 से ज्यादा तहसीलों में और संपूर्ण उज्जैन संभाग के अंदर इस समय बेहद परेशान है। भुखमरी की कगार से गुजर रहे ये सभी लोग बेहद ही परेशान हैं। पहले गेहूं करीब 15-20 किलो करीब मिलते थे घर के लिए गरीब परिवार को, अभी कितना गेहूं मिल रहा है? एक किलो दो किलो? हाँ, दो किलो। अभी एक किलो दो किलो में घर चल जाता है आपका? एक महीने की, दो दिन की, एक महीनों के चले वो दो किलो है? एक टेम की फिर राके बता, एक में एक एक दो किलो गेहूँ मिल रहा है? दो किलो मिलता है। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए बताइए? गेहूँ बढ़ाना चाहिए, आप देख लो, बढ़ाना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी अब राशन की जो दुकान है वहाँ से निर्देश के बाद गेहूँ कम मिलना चालू हो गया है, कितना गेहूँ मिल रहा है आप लोगों को? दो किलो गेहूँ में घर चल जाता है क्या? नहीं चलता है, मोल लाना पड़ता है मजदूरी करके। अच्छा, दो किलो में चल सकता है गेहूँ घर? नहीं चलता। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां तोकापाल ब्लॉक के ग्राम घाट घनोरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़क में बड़ी खामियां देखने को मिले हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये सड़क अभी से धंसनी शुरू हो चुकी है। सरकारी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर में सिर्फ खानापूर्ति करने वाला है, इससे तो बेहतर होता कि यहाँ मौरम वाली सड़क बना दी जाती। जो रोड बना है तो फॉल्ट रोड बना है, ठेकेदार आता नहीं है, जो मटेरियल डला है वो देखिए गाड़ी ढस रहा है और पैर से तोकड़ रहा है पूरा आपका दामर रोड। तो गवर्नमेंट जो जिसके लिए पैसा दे रहा है तो उस पे पैसा का सही नहीं हो रहा है, पूरा दबा के रख दिए हैं, फॉल्ट वाला काम होते जा रहा है जगह जगह से। हाँ, जो पहले का जो रोड का आपके माध्यम से शिकायत मिल रही है कि 3 किलोमीटर लगभग रोड बन रही है, गुणवत्ताहीन है, आपके माध्यम से जस्ट मैंने ई भुवारे से बात किया, पीएम जो से ई है, तो उनका कहना यह है कि आप लोग गए थे, अदरवाइज उन्होंने बाइक नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने बोला है उसको कि अगर कोई रोड बन रही है अगर गुणवत्ताहीन है तो उसको आप जाँच करिए, अगर आपसे जाँच नहीं होता तो अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से जाँच करिए, अगर कोई रोड गुणवत्ताहीन है तो हम उसको जाँच करा करके विधिवत कर। एमपी के डिंडोरी से खबर है, बताते चले कि दोहरे हत्याकांड के संदिग्ध आरोपित की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताते चले कि 2 दिन से आरोपित से पूछताछ करने और साक्ष की तलाशी के दौरान घटनास्थल से आरोपित भाग गया था। कनेर के जहरीले बीज खाने पर इसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेज दिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तक दिन बिल्कुल पूरा फंदी बढ़ा रहे हैं, हम 4 दिन से बयान लेते देते देते परेशान हो गए।
डबल मीटर की जो बारीकियाँ हैं, बारीकियों से मुझे पूछताछ की गई कि हो सकता है कि वो सस्पेक्ट था, तो किस वजह से उनकी वो चले। नारायणपुर से खबर है, बताते चले कि नकली नोट की खपत करने वाले आरोपियों पर नारायणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक, बता दें कि एक दिन पहले मावली माता मेला के मिनी डिजली लैंड मीना बाजार के टिकट काउंटर में एक व्यक्ति ने 500 रुपए का नकली नोट देकर टिकट खरीदा था, जिसके खिलाफ मैनेजर विक्रम यादव ने नारायणपुर थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम गठित कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नारायणपुर से संबंधित है, जहां एक दिन पूर्व मिनी डिज्नीलैंड मीना पार्क में जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कैश काउंटर पर टिकट खरीदकर 500 रुपए की नकली नोट देने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, और उक्त रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में 489 ख IPC के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था, और उक्त टीम के द्वारा बखरूपारा में एक व्यक्ति को पकड़ा गया पूछताछ पर, जिसने अपना नाम परेश्वर बघेल निवासी छोटे डोंगर होना बताया गया, और इस मामले में पूछताछ पर जो है इसने जो है 500 रुपए का नकली नोट। अमृतसर से खबर है, बताते चले कि अमृतसर देहात के SSP सत्येंद्र कुमार पत्रकार वार्ता में कल शामिल हुए, जहां पर उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी दी। कोई आदमी आकर इसको नहीं सुधार सकता जब तक बिहार की जनता नहीं। बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के दो बड़े खिलाड़ी BJP और RJD। PK ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी JDU को जिंदा रखने के लिए एक बैसाखी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि लोग लालू यादव के कार्यकाल के कानूनन विहीन युग के बारे में सोचने से भी कांप जाते हैं। कोई आदमी आकर इसको नहीं सुधार सकता जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी। आप इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे कि हमको अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। जेकरा बुझाता कि एगो कोई आई असुधार दिहित बिहार, रउआ के याद दिलावे चाहता नहीं। 2014 में मोदी जी आयल रहन, 2014 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही, जे यूपी में बिहार में मोदी जी के नाम ना जानत रहन आदमी, हमारा संगे आज लाठी डंटा करता कि तारा बुझाता मोदी जी बालन में तो देश आगे बढ़ जाए, देश मजबूत हो, सबके विकास हो जाए। अब मोदी जी 9 बरस से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रस्ताव लाया गया था। आज मतदान में 18 में से 17 सदस्य शामिल हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के लिए 13 मतों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में केवल 11 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। सबसे पहले मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाए हमारे जनपद साथियों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मुझे भरोसा किया, और 3 साल में जो नेहा सिंह जनपद अध्यक्ष के द्वारा जो मनमानी ढंग से यहाँ जनपद का अनेक प्रकार की योजनाओं का दुरुपयोग करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के जो मनमानी की गई है, जिसको हमने हमेशा सामान्य सभा में भी उठाते रहे हैं, जिसके चलते मेरे खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक एक छोटे जाति का इंसान और बहुत सारे यहाँ मैंने। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ से सटे जंगलों में आदमखोर बाघ की दहशत देखने को मिली है। इस दौरान इलाके भर में हड़कंप की स्थिति बनी रही, लोग काफी भयभीत भी दिखे। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को मंगलवार रात से ही बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही थी।
जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसको देखते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और जराहा रेंज के रेंजर समेत वन कर्मियों ने बीती पूरी रात बीजपुर क्षेत्र के लखवार महुली बियाडाह अंजानी नेमना गांव में गश्त की और लोगों को जागरूक भी किया। बाघ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है, साथ ही वनकर्मी भी डरे हुए देखे गए।